हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, वर्ग एक के नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं और उसमें भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के मेधवी दस्तावेज दिखाने में नहीं आए। भर्ती परीक्षा के टॉपरों की शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं। 294 लोगों को स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित किया अपात्र। 3,100 से अधिक ने प्रथम काउंसलिंग में करवाए थे दस्तावेज सत्यापन। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग भर्ती परीक्षा 2023 में मेरिट सूची में शामिल लोगों ने शिक्षक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। परीक्षा में 6 विषयों में पहला और दूसरा स्थान हासिल करने वाले अभी तक दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं पहुंचे। स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे लोगों को अपात्र बताकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर रही और वहाँ पर जो है बेटिंग क्लियर होनी है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो 294 लोग रैंक में प्रथम आए थे, लेकिन उन्हें दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया। 6 विषयों में टॉपर्स ने शिक्षक बनने में रुचि नहीं दिखाई। विषय में रसायन, विषय में इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स और राजनीति विज्ञान में प्रथम रैंक लाने वाले डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं कराए। ऐसे माना जा सकता है कि अधिकांश ऐसे जिन्हें इससे अच्छी नौकरी मिल गई हो या इसकी वजह इन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग न लिया हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपनी जगह सही ना हो तो उस हिसाब से भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं ले पाए। बहरहाल इस पर स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर वेटिंग है वो बहुत जल्दी क्लियर होगी। वेटिंग से संबंधित और कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। एबीटी सूचना माता था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।